बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद जैन और अलकैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो है वो मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी कंप्यूटर की सीरीज में हमारा जो आज लेक्चर नंबर है वो है G13 और जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, माउस। ठीक है, माइंड कीजिए हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो माउस है। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वो कौन सा था, आपका कीबोर्ड। ठीक है, अगर आपने कीबोर्ड नहीं पढ़ा तो पहले उसका लेक्चर ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए इसको समझने में। अच्छा जी, माउस क्या होता है? माउस का सिंपल यूज ये होता है कि जी आपके पास जो आपकी स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन में एक एरो आपको नजर आ रहा होता है। इस एरो को मूव कराने के लिए, अब इस एरो के कुछ नाम है, ठीक है, इस एरो को हम पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, एक इसका नाम पॉइंटर भी होता है, दूसरा नाम इसका कर्सर भी होता है। ठीक है, हम सिंपली इसे एरो कह सकते हैं, पॉइंटर कह सकते हैं या कर्सर कह सकते हैं। अब ये जो पॉइंटर है या कर्सर है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी चीज ये करता क्या है, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी भी फाइल या किसी भी जो है प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, माउस का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आसान है आपके लिए। देखें, यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, आप माउस से सिंपल आपने वो एरो उधर लेके जाना है और उस पर बटन क्लिक करना है, वो क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर आपको डिफरेंट आइकन नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो माउस बटन किसी भी चीज को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो क्या होती है कि कर्सर को मूव करवाने के लिए, जो कर्सर है इसे आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करवाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, माउस का। ठीक है, और जी माउस का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ठीक है, आप माउस को जिस भी डायरेक्शन में मूव करवाएंगे उसी डायरेक्शन में आपका कर्सर क्या करेगा, मूव करेगा। आइदर के आपने लेफ्ट साइड पे अगर माउस को मूव किया है तो ये कर्सर ब्लिंक करके कौन सी साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक हो गया, अगर राइट साइड पे किया तो राइट साइड, अब किया तो ऊपर और नीचे किया तो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये था जी माउस का मेन इस्तेमाल। उसके अलावा जी इसमें होती है एक स्क्रोल व्हील। ठीक है, अब हम स्क्रोल व्हील के बारे में बात कर लेते हैं कि जी वो क्या होते हैं। ये आपका माउस है, ठीक है, अब इस माउस की यहां पे करके आपकी एक स्क्रोल व्हील लगी होती है जो काम क्या करती है, आपके पास अगर कुछ बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, यहां पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि काफी लंबे आपने लिखे हुए हैं, वर्ड पे राइट किए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस पेज को ऊपर नीचे करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने स्क्रोल व्हील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर पूरा नहीं आता, जिसकी वजह से आप स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करते हुए उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपका जो बाकी का टेक्स्ट है वो आप देख सकें। ठीक है, इस वजह से आप क्या इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, हमने माउस पढ़ लिया, स्क्रॉल व्हील को देख लिया, वो क्या होता है, ठीक है, एक रेड सा बटन होता है, उसे आप जिस डायरेक्शन में ऊपर करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट ऊपर चल जाएगा, अगर आप नीचे करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट किधर जाएगा, नीचे भी साइड। उसके बाद जी सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक का, माउस इवेंट्स। ठीक है, ये बोर्ड में आ भी चुका है और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ना आए, ठीक है, तो ये लाजमी पार्ट है जी आपके पेपर का। अच्छा, उसके अलावा इससे पहले एक बात कर लेंगे, माउस को, माउस के टोटल जो है वो दो बटन होते हैं और उसमें क्या होता है, स्क्रोल व्हील होता है। ठीक है, अब माउस इवेंट क्या होते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हुए आप जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, माउस इवेंट। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जी माउस का इस्तेमाल करते हुए आप जितने भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो आपके क्या होंगे, माउस इवेंट होंगे। ठीक है, अब माउस का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो तीन तरह के हैं जी, बाय यूजिंग लेफ्ट क्लिक। ठीक हो गया, लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक माउस इवेंट की है। सेकेंड, राइट क्लिक को दबाते हुए हम कुछ फंक्शन का कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सेकेंड ये आपका माउस इवेंट। और तीसरा क्या है, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मतलब होता है सीधा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, और जो तीसरा जो माउस इवेंट है वो क्या है, रैप। अब हम इन तीनों को बारी बारी क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट क्लिक को एक्सप्लेन करते हैं, फिर राइट क्लिक और फिर किसकी तरफ आते हैं, ड्रैग की तरफ आते हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम इन तीनों को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब लेफ्ट क्लिक पे आ जाते हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट हमारा माउस इवेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जी ये क्या करता है जी लेफ्ट क्लिक। आप ये देखें कि ये आपका राइट क्लिक है और ये क्या आपका लेफ्ट क्लिक है। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग पे खुद जोर डालेंगे तो आपको इसका यूज आपको पता चलेगा। अब देखें जी, पहला काम क्या करता है, अगर आपने ये जो डेस्कटॉप है इसके ऊपर काफी सारे आइकन बने आपके पास, ठीक है, जिसमें माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट है। अब
इनको सिलेक्ट करने के लिए यानी कि ओपन करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट क्लिक का, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आपने इनको देखना है, इनको ओपन करना है, इसके अंदर जो डाटा है वहां तक आपने उसको एक्सेस करना है, रसाई हासिल करनी है, तो जाहिर सी बात है आप किसका इस्तेमाल करेंगे, अपने माउस का, और माउस के कौन से बटन का इस्तेमाल होगा, आपके लेफ्ट क्लिक का, ठीक है। एक तो बात हमें यह पता चल गई, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी आइकन को खोलने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट क्लिक, ठीक हो गया। उसके अलावा स्टार्ट बटन, यहां पे करके डेस्कटॉप पे आपके पास क्या होता है, टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। इस स्टार्ट बटन को खोलने के लिए, बंद करने के लिए आप कौन सा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बटन लेफ्ट क्लिक, ठीक हो गया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके जरिए आप विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहां पे करके आपके पास ऑप्शन होती है माइनस, यहां पे होती है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, यहां पे क्लोज बना होता है, तो इसको बाय यूजिंग लेफ्ट क्लिक आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये होता जी लेफ्ट क्लिक। अब बात कर लेते हैं राइट क्लिक की, ठीक है जी। राइट क्लिक क्या होता है, सेकंड हमारा माउस इवेंट है जो कि क्या है राइट क्लिक। अब राइट क्लिक क्या, कौन से फंक्शन जी काम करता है, इसका काम बड़ा सिंपल था, इसने आपको खसूसियात दिखाना है किसी भी आइकन या फोल्डर की, ठीक है। आपको डेस्कटॉप के ऊपर ये काफी सारे फोल्डर और आइकन बने हुए नजर आ रहे होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, या आप इसे आपने किसी भी आइकन को, सपोज ये आपके पास आइकन है, ठीक है, आपने इसका नाम भी रखा हुआ है माई फाइल, ठीक है। अब इस आइकन का नाम क्या, माई फाइल, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप इसका नाम चेंज करना है तो बाय यूजिंग राइट क्लिक, माउस का आप राइट क्लिक बटन दबाएंगे तो मुख्तलिफ किस्म की आपके पास क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी होगी, आपके पास एक ओपन लिखा आएगा, काफी सारी आपके पास होंगी, ओपन विद आएगा, इसमें से एक प्रॉपर्टी होगी रीनेम की, तो आप रीनेम को क्लिक करेंगे और अपने जो है आइकन का नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपके फोल्डर का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के काफी सारे फंक्शन जो है ना, मतलब ये किसी भी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए आप कौन से बटन पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, ठीक है। आपको किसी भी मुकर्रा जो आपके होते हैं आइकन वगैरह, उसकी खसूसियात को बता देता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। आइकन रीनेम कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है, इस या डिलीट कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है किसी भी आइकन की। वो कैसे इस्तेमाल करनी है, भाई यूजिंग राइट क्लिक से, ठीक है, माउस के राइट क्लिक दबाने से। उसके बाद जी लास्ट हमारा इवेंट है, ठीक है, आज के टॉपिक का, वो है जी ड्रैग, ठीक है। ड्रैग के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया कि जी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जी ये जो आपका कर्सर है, ठीक है, इसे आपने यदि लेफ्ट साइड पे, अगर आपने इसे राइट साइड पे मूव करना है, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे बल्कि बाय यूजिंग ड्रैग, ठीक है, माउस को ड्रैग करने से, हिलाने से आपका कर्सर क्या हो जाएगा, राइट साइड पे मूव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या जी ड्रैगिंग से और क्या कर सकते हैं, आप ड्रैगिंग से एक साथ जो है ना काफी सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है, और माउस को ड्रैग करना है, तो काफी सारे आइकन्स या ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक हो गया। ये देखिए ये फोल्डर है, काफी सारे और फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। आप चाहते हैं सर मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लूं, आपने लेफ्ट क्लिक दबाना है माउस का और उसको क्या करना है, ड्रैग करना है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इस सब फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, लेफ्ट क्लिक दबाएं, ड्रैग करें माउस को, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएं और उसे डिलीट के ऑप्शन को दबा के इसे डिलीट करें, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना हम ड्रैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। कर्सर को आगे पीछे करने के लिए, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव करने के लिए आप क्या करते हैं, ड्रैगिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। और एक ऑब्जेक्ट को या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग ड्रैग आप लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग कर सकते हैं, अच्छा जी। उसके अलावा आप किसी भी फाइल और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, वो भी ड्रैगिंग के थ्रू होगा, लेफ्ट क्लिक करें उस आइकन पे, ठीक है, और बाय ड्रैगिंग उसे आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी शिफ्ट कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास मोबाइल में भी ऑप्शन होती है, अच्छा जी। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, माउस इवेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं उन्हें अच्छे तरीके से याद करें, साथ ही साथ बुक से भी रीडिंग किया करें, ठीक है, तो आगे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे हो। चलिए जी आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, आपके लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।